और मंजिल प्रमुख राज ठाकरे ने धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर हटाने के यूपी सरकार के फैसले की सराहना की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हजारों की संख्या में अनाधिकृत लाउडस्पीकर्स को हटाया गया। यूपी की तारीफ करते हुए राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें भोगी कहा। इससे पहले राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक धार्मिक जगहों से सभी लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है, जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। देशभर में लाउडस्पीकर को लेकर के तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसके बीच जो है कल उत्तर प्रदेश में कुछ एक लाउडस्पीकर मस्जिदों से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हटा दिए, जिसको लेकर के राज ठाकरे मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पत्र लिख करके शुक्रिया अदा किया है और उनके इस मूव की सराहना की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर के तनाव है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस राज्य सरकार ने जारी नहीं की है। हालांकि राज्य सरकार बार बार अपील कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए गाइडलाइंस का निश्चित रूप से पालन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो बातें चल रही थी कि किसी तरीके की गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाएंगी मस्जिदों को लेकर के, वो अभी तक राज्य सरकार ने जारी नहीं की है। आने वाले दिनों में क्या कोई गाइडलाइंस या राज्य सरकार महाराष्ट्र में भी लाउडस्पीकर को लेकर के एक्शन लेती है, क्या मस्जिदों से इन्हें हटाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके की जानकारी या गाइडलाइंस इस विषय को लेकर के राज्य सरकार ने नहीं दी है।